देखा है ना, हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखा है। ये बताइए हवाई जहाज फ्यूल से उड़ता है कि पंखों से उड़ता है? पंखों से उड़ता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, उसके दोनों पंखे निकाल दूँ और फिर उसमें फ्यूल भर दूँ तो क्या वो उड़ेगा? नहीं उड़ेगा ना। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान काय का होगा? उसमें पंखे का होगा। फ्यूल तो उसका मोटर चलाने के लिए प्रयोग में आ गया है ना, उसकी मोटर को उसको ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर है ना, उसको ऊर्जा देने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए होती है वो तो अपनी फ्यूल से मिल गई, पर वो ऊपर काय से जाएगा? ऊपर उसके पंखों से जाएगा। अभी यहाँ जो आप देख रहे हो ना मॉडल, वो क्या है, जो एरोप्लेन रहता है ना जिसके इस तरह से पंख रहते हैं उसकी अनुप्रस्थ काट है ना, उसके जो पंख है ना उस पंख की अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें इस साइड आपको एक होल दिख रहा है, ये होल ना तो इसके नीचे है ना इसके ऊपर है, एकदम सेंटर में है। पर अब मैं इसमें से हवा दूंगा इसको, है ना, अभी इसमें से हवा प्रवाहित होगी तो आपको क्या लगता है, हवा से नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा हवा से, आप लोग मुझे बता सकते हैं? देखो अब मैं इसमें से, ये मैंने हवा इसमें से, ये ऊपर गया है ना, ये ऊपर गया, लेकिन ये ऊपर क्यों गया? नहीं, इसके पीछे एक नियम काम करता है ना, मैं नियम बताता हूँ आपको क्या करता है इसके पीछे। क्या होता है, ये ऊपर कैसे जाता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा एरोप्लेन खड़ा रहता है जमीन पर तो क्यों वो डायरेक्ट ऊपर उड़ जाता है? थोड़ी दूर उसको जाना पड़ता है, धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ाते हैं और जब वो फुल स्पीड पे पहुंच जाता है तो फिर उसकी जो मोटर होती है ना, जो उसका मैकेनिज्म उसको हल्का सा ऊपर अपलिफ्ट करता है और जो हवा का दबाव बनता है, जो एयर प्रेशर बनता है, एक्चुअल में हवाई जहाज को वो एयर प्रेशर ही ऊपर ले जाता है, ठीक है। अब वो कैसे ऊपर ले जाएगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है, ये जो है ना इसके ऊपर हवा का दबाव जो रहेगा वो बदलता रहेगा, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो हवा का दबाव बदलता रहेगा, लेकिन नीचे का जो प्रेशर रहेगा ना वो एकदम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऊपर कम ज्यादा प्रेशर होता रहता है, लेकिन नीचे का जो प्रेशर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब इन दोनों का अनुपात निकाला जाता है तो जो प्रेशर ऊपर लगा है वह प्रेशर नीचे लगे प्रेशर की तुलना में कम होता है ना। सीधा सा मतलब है कि नीचे हवा का जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। और जब नीचे का प्रेशर ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ तो आपको मिल रहा है एक एटमॉस्फेयर है ना, तो यहाँ से तो हवा बदल रही है, आई गई तेज आ गई कम आ गई, लेकिन नीचे के प्रेशर में एक सी हवा रहती है बिल्कुल, क्योंकि नीचे ये जब ये जो पंख का एक अनुप्रस्थ काट है, जब इसके नीचे आपको क्या होगी हवा प्रवाहित होगी तो वो एक निश्चित दाब से ही प्रवाहित होगी, ठीक है। और वो जो दाब है एक्चुअल में वो दाब ही उसको ऊपर ले आता है। जैसे मैं चला दूं, इसके नीचे कोई हवा नहीं लगी है बेटे, इसके नीचे से कहीं हवा नहीं आ रही, हवा सिर्फ सामने से आ रही है, पर ये ऊपर जा रहा है। ये देखिए आप क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि नीचे जो इसमें दोनों तरफ से हवा पड़ रही है, इसमें ऊपर से भी हवा आ रही है, इसमें नीचे से भी हवा आ रही है, लेकिन नीचे जो हवा का दाब है वो अधिक रहता है, क्योंकि ऊपर का दाब तो एटमॉस्फेयर में इधर उधर हो जाता है, लेकिन नीचे जो हवा है वो कांस्टेंट रहता है, वो दाब जो होता है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। और जब इस पर प्रेशर क्रिएट होता है तो ये लिफ्ट हो जाता है ना, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही हवाई जहाज में रहता है। उसके बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि हवाई जहाज को कभी भी हवा में रोक नहीं सकते हो आप, कभी रोकता नहीं हवा में, तो चलता रहता है। उसकी गति को आप कम कर सकते हो, उसकी गति को आप ज़्यादा कर सकते हो, तेज चल चल सकता है, धीरे चल सकता है, लेकिन कभी स्थिर नहीं रह सकता, कभी भी रुक नहीं सकता है, ठीक है। एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, हवाई जहाज जो रहते हैं रनवे पे एक बार उतर गए, एक बार वो रनवे पे उतर गए तो आपने देखा होगा उनके पहिए के बीच कितना तेज घर्षण होता है, दूर से उड़ जाती है एकदम, है ना। कभी कभी तो स्पार्क भी होता है, चिंगारी जैसी भी निकल जाती है। हमेशा एक चीज याद रखना कि हवाई जहाज जब एक बार रनवे पे उतर गया तो उसके टायर पर चेंज होते हैं, उसमें नए टायर, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इतना घर्षण हो चुका होता है कि जब रनवे पे उतर जाता है ना तो उनका टायर खराब हो चुका है, ठीक है। फूटते नहीं है बेटा, फूट जाएंगे तो वो गिर जाएगा, आग लग जाएगी उसमें, लेकिन घर्षण के कारण उनके टायर को इतना मजबूत बनाया जाता है कि फूटते नहीं है वो, ठीक है। लेकिन जब एक बार घर्षण उनमें हो गया तो वो जो उनकी रबर और जिस चीज़ से वो बने होते हैं वो चीज़ खराब हो जाती है, घिस जाती है वो प्रॉपर, ठीक है। तो हाँ, फिर उनके टायर निकालते हैं जब वो रनवे पे खड़ा रहते हैं, फिर वो नए टायर लगाते हैं, जो पुराने टायर होते हैं ना उनको रिसाइकिल किया जाता है, रिसाइकिल आप जानते हो, उन्हें वापस फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है और उन्हें वापस नए टायरों में बदला जाता है, ठीक है। ऐसा रहता है, हमेशा एक बार टायर एक प्लेन के प्लेन का टिकट महंगा क्यों होता है, इसीलिए महंगा रहता है। एक तो उनमें फ्यूल लगता है, वो फ्यूल महंगा आता है, दूसरा उनके अंदर कुछ सुविधाएं होती है, तीसरा टाइम की बचत होती है, और चौथा क्या होता है कि उनके टायर उनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहता है। एक बार उसने नीचे से उड़ान भर ली और वापस को नीचे उतर जाता है, टायर किसी काम के नहीं रहता है, वापस से उनके टायर को रिन्यू किया जाता है, दूसरे लगाए जाते हैं, उनको खोल के और रिसाइकिल करने के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। ये रहता है ना, अभी आपको ये समझ में आया ना एरोप्लेन उड़ान कैसे भरता है, ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? क्योंकि जो एयर प्रेशर होता है वो क्या रहता है, ऊपर की तुलना में नीचे ज़्यादा रहता है, ठीक है। ऊपर इतना हाई प्रेशर नहीं रहता जितना नीचे रहता है, क्योंकि नीचे का प्रेशर एकदम कॉन्स्टेंट रहता है, और वो प्रेशर ही उसको
लिफ्ट करता है, वो प्रेशर इसको ऊपर उठा देता है। जितनी स्पीड में चल रहा है नीचे जो हवा का प्रेशर बना वो बहुत ज़्यादा रहता है हवा का प्रेशर, ठीक है। तो जब कंटिन्यू वो प्रेशर बनता रहा, बनता जाएगा उसका हवा, वो जो एरोप्लेन है उसको लिफ्ट कर देगा, ठीक है।